तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो शाम के टाइम से शुरू हो रही है। शाम के 4:45 बज चुके हैं, तो ठंड भी काफ़ी है। सुबह में अच्छी खासी धूप लगी हुई थी, पर सुबह शाम काफ़ी ठंड हो रही है। तो अभी मैं मार्केट जा रही हूँ थोड़ा सब्जी लेने, तो आप वीडियो में बने रहें। नैनीताल के हिसाब से यहाँ पे ठंडा कम है। कुछ दिन पहले हम नैनीताल घूमने गए थे, तो वहाँ पे काफ़ी ठंड है। यहाँ पे एक स्वेटर से भी काम चल जा रहा है, पर वहाँ पे हम दो दो तीन तीन स्वेटरें पहन के रखते थे, तो तब ठंड बसती थी। और वहाँ पे दिन के टाइम पे तो काफ़ी धूप लगती थी, और सुबह शाम बहुत ठंड था, और उस धूप में भी थोड़ा ठंडक थी। जैसे यहाँ पर धूप में बैठेंगे इस दिन में तो काफ़ी गर्मी लगती है, पर वहाँ पर वैसी गर्मी नहीं थी, पर धूप काफ़ी तेज़ की थी वहाँ पर भी। पर ठंड पहाड़ों की साइड काफ़ी है, और देहरादून में मतलब ठीक ठाक ठंड है, इतना नहीं बोल सकते जितना कि पहाड़ों में है। और अभी मैं दिखाती हूँ कि मेरे आजकल पेड़ पौधे कैसे हो रखे, प्लांट्स मेरे घर में तो आजकल कोई ज़्यादा खास नहीं हो रखे हैं, कुछ कुछ तो सूख भी गए हैं पाले की वजह से। और ये देखिए, ये वाला तो मेरा जो इंग्लिश वाला प्लांट है, ये तो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। और कुछ प्लांट हैं ये हैं कुछ कुछ, तो ये देखिए उतनी ग्रीनरी नहीं है। एक तो मिट्टी गाड़ी वाड़ी चलती है, मिट्टी भी काफ़ी डस्ट बैठ गया इनमें। तो ये है, ये रैक मेरा बरामदे में था, तो इसको मैंने इस साइड ले लिया है, क्योंकि मैंने बिल्ली पाली हुई है तो उस सारे गमलों में कूद कूद के सारे प्लांट ख़राब कर देती है, तो मैंने इनको इधर शिफ्ट कर दिया है। और ये फन का प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, और कुछ गमले मैंने इस साइड रख दिया। जो वॉल बरसात के टाइम पे काफ़ी काली थी, तो अभी तो ठीक है। अब पता नहीं इस बारिश आने वाले बरसात में कैसे रहता है। यहाँ पे ये सीलन काफ़ी आती है, तो इस वजह से यहाँ पे वो पड़ जाता है, जल्दी से काला पड़ जाता है। ये देखिए बरामदा, बस इतना ही गमले रखे हुए। ये पूरा यहाँ सामने खाली कर दिया है बिल्ली की वजह से, और इस साइड है, पहले पूरा बरामदा भरा हुआ था और पीछे बैक में है। और ये प्लांट भी बहुत अच्छा लग रहा है। सीजनल के फूल के प्लांट लगा रखे हैं, इनमें तो अभी कुछ खिला हुआ नहीं है, पर प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। और ये देखिए, ये तो अब सूखने वाले हैं ये फूल, तो ये काफ़ी सारे लगा रखे थे, सूखने के कगार में आ गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने पूरे बाउंड्री वॉल में रखे हुए, जो कि बरामदे में रहती थी। तो जैसी जैसे बारिश होगी तो इसको मैं नीचे रख दूंगी, नहीं तो बाउंड्री वॉल में पूरी मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल तो बारिश वारिश है नहीं, तो ये यहीं ऊपर है। और कुछ ये है गेंदे के फूल हैं, ये गेंदे भी मैंने यहीं लगा रखे हैं, इधर रखे हुए ऊपर गेट के ऊपर। मैं ले जाती हूँ गार्डन में, आजकल क्या क्या लगा रखा है मैंने। काफ़ी टाइम से गार्डन का तो मैंने बनाया भी नहीं व्लॉग, तो आज दिखाती हूँ मैं आपको गार्डन में क्या क्या लगा है। तो ये अभी तो इनमें फूल खिले नहीं है, ये लगा रखे हैं। और ये टमाटर का तो पौधा पता ही है, और ये अमरूद का पेड़ मैंने इस ग्रोइंग बैग में शिफ्ट कर दिया। पहले ये गमले में था, अब इसमें शिफ्ट कर दिया, तो अब अच्छी तरह से ग्रो होगा और अमरूद भी काफ़ी लगेंगे। और नीम का पेड़ ये इतना है, और ये देखिए गोभी अच्छे से हो रही है, अभी तो और बड़ा होगा ये फूल। और ये जो गोभी हो रखी है, ये जो सब्जी वाली पन्नी होती है, सब्जी वाली देते हैं, उसमें लगा रखा, तो उसमें देखो काफ़ी अच्छा ग्रो हो रखा है। बजाय उसके कि मैंने एक ग्रोइंग बैग लिए थे, उनमें उतने अच्छे नहीं हो रखे जितने इसमें हो रखे हैं। तो ये है ग्रोइंग बैग, इसमें उतने अच्छा नहीं हो रखा, वो वाला फूल काफ़ी बड़ा हो रखा, पर ये भी ठीक ठाक हो रखा है। ये देखिए मेरी गोभियाँ लगना शुरू हो गया है। पहले मैंने आपको पौधे दिखाए थे जब छोटे थे ये, ये देखिए। और जो मैंने ये गमले में लगा रखे, इसमें ज़्यादा अच्छे ढंग से नहीं हो रखा,
ये वाले में तो अभी हुआ ही नहीं है, और ये वाला है, मेरे पास 5 गोभी के पौधे थे तो 4 में गोभी लगी हुई है, 1 में नहीं लगा हुआ है जो ये दिखाया मैंने, तो पता नहीं इसमें होगा कि नहीं होगा, पर अच्छे लगे हुए हैं, कुछ टाइम बाद ये बड़े हो जाएंगे। डहलिया हैं, डहलिया के पौधे लाई थी मैं, छोटे थे, अब तो काफ़ी बड़े हो गए, इनमें अब फूल खिलेंगे। और ये टमाटर जो मैंने लगाया था कटिंग से, तो ये ठंड के कारण ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा है, अभी तक इतने ही हैं। और ज़मीन में देखिए, ज़मीन में कितना ग्रीन हो रखा है ये जब टमाटर का पौधा। और यहाँ देखिए जेरेनियम के फ्लावर हैं, ये पिंक कलर में हैं, रानी कलर, और ये रेड कलर में है। और ये देख रहे पिटोनिया मेरा जो उस टाइम पे लगाया था, बहुत टाइम हो गया इसको लगाए हुए, महीना तो हो ही गया, अब फूल खिल रहे इनमें, तो ये देखिए इसमें अभी खिला नहीं, अलग अलग टाइप के फूल हैं ये पिटोनिया के। और जब मैंने ख़रीदा था उन्होंने बोला था कि डबल शेड में भी हैं, पर डबल शेड का कोई भी नहीं है, इसमें सिंगल शेड है पूरा। तो ये काफ़ी दिनों तक रहते, काफ़ी महीनों तक रहते हैं पिटोनिया के फ्लावर। इस बार तो मेरे लेट में ही लगाया, नहीं तो मेरे अक्टूबर से लगा लेती हो तो वो मार्च अप्रैल तक रहता है फूल। ये गुलदावरी के फूल तो मैं 2-3 साल से है मेरे पे, तो मैं कटिंग कर देती इनका जब इनका ये सीजन ख़त्म हो जाता है फ्लावर का, तो इसको पूरा कटिंग कर देती है, तो दोबारा से ये प्लांट इतना ही बड़ा हो जाता है। और इसमें देखिए कितने अच्छे फूल लगे हुए, इस ये कटिंग से भी लग जाते हैं। ये देखिए ये सारे मेरे 2-3 साल पहले के हैं, और ये सूख गए मेरे येल्लो कलर के, ये पिछले साल लिया था तो। और धनिया कुछ मैंने काट दिया है क्योंकि ये बाज़ार वाला धनिया है, तो इसको कटिंग नहीं करेंगे तो ये जल्दी से बड़ा हो जाएगा, इसमें बीज आ जाएंगे। देखो आधा काटा था मैंने और आधे में देखिए ये इतना बड़ा हो गया और इसमें बीज आ चुका है, तो इसको अब तो ये दोबारा काम तो आएगा नहीं, इसको कटिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है, दोबारा से मुझे दूसरा धनिया लगाना पड़ेगा। और मेथी तो हम खा चुके हैं यहाँ से, मेथी भी अब इसकी जगह पर कुछ और लगाएंगे। मैंने आपका अपने वहाँ गार्डन में दिखा दिया आजकल मेरे गार्डन में क्या क्या लगा हुआ है, तो अब मैं जाती हूँ सब्जी लेने के लिए, सब्जी मंडी शायद हो सकता है वहाँ से मैं अपनी फ्रेंड के घर भी जाऊँ, काफ़ी टाइम से नहीं गई क्योंकि मैं वहाँ गई थी कैची धाम मंदिर भी गई थी, तो वहाँ का प्रसाद था वो देने भी जाना है, अगर टाइम लगेगा तो उसके घर भी चली जाऊँगी। मैं सब्जी लेके आ चुकी हूँ, तो सब